शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। Asian Economic Forum Award for Business Excellence goes to Mr. Karan Thapar. Congratulations. Thank you. I wish you all the best. Keep it up. Thank you. बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी कि भगवान ने हर खुश नसीब के लिए एक ऐसा इंसान बनाया है जिसका हाथ थाम कर जिंदगी को सही दिशा मिलती है। दोस्त वो रिश्ता जिसे थोपा नहीं जाता, जिसे आप खुद चुनते हैं। आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूं अपने दोस्त की वजह से। ये ट्रॉफी, ये कामयाबी तुम्हारे नाम, राज हमारी दोस्ती के नाम। She really knows how to hook these rich old men, and then she gets divorced and gets these fat alimony. Mama. She's such a number. Smart Mama. Woman. Mama. Karan, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Go on, go on play. माँ के पास parties और gossip से फुर्सत ही कहाँ थी? उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं था. Mr. Mehra, business today is totally out of power. Hmm. और पापा, वो अपने business और socializing में ही उलझे रहे. पापा मैं बोर हो रहा हूँ। तो फिर बाहर जाकर खेलो ना। किसके साथ? करण, अकेले खेलना सीखो। जो इंसान किसी पर डिपेंड करता है ना, उसका जिंदगी में कभी कुछ नहीं होता। Come on, come on, go and play. Come on. Hi Nandini, let's play football. I don't wanna play with you. Please sister, let's play football. I said no na. Okay, let's play with him. Mummy, Karan's troubling me. Take Baba. Oh God, Karan, what are you doing? अगर तुम्हारी इसके साथ बनती नहीं तो तुम यहाँ क्यों आते हो इसके पास? हाँ, मेरे पास कोई नहीं है खेलने के लिए, ना आपके पास टाइम है ना पापा के पास। आप भी बताओ मैं क्या करूँ? पहले तुम चिल्लाना बंद करो, समझे? It's just becoming impossible to deal with. Just take care of her. Yes, ma'am. बाहर जाकर खेलो, समझे? नंदिनी, and don't trouble anyone. Are you okay? It's okay. Play with your खाई के पास कैसे पहुंचे? मत पूछ यार। शहर के लगते हो? हाँ, हम वीकेंड मनाने फार्म पे आए हैं। ये फार्म हाउस तो थापर साहब का है ना? वो मेरे पापा है। मेरे मामा आपके आपके पापा के फार्म पर काम करते हैं। अरे यार तू तो तुमसे आप पे आ गया। हाँ एनीवेज थैंक्स, अगर तू सही टाइम पे नहीं आता तो मैं तो गया था यार।
मेरी माँ कहती थी कि जो मुसीबत में हो उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए। कहती थी? हाँ, अब वो मेरे पापा के पास चली गई है, ऊपर भगवान के पास। I'm sorry, यानी कि तुम अकेले रहते हो? हाँ नहीं, मैं अपने मामा के साथ रहता हूँ। अरे मैं तो तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया। राज। करण, मेरे दोस्त बनोगे? हाँ बनूंगा। अरे आपको तो चोट लगी है, चलो मेरे साथ। नहीं, एक शर्त पर, दोस्त की तरह तुम बोलो। चलो मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। जलन हो रही है ना, मेरा हाथ पकड़ो और अपनी आंखें बंद कर लो। अरे हो गया। हाँ? देखा, दर्द कम हुआ ना? हाँ। दोस्त का हाथ पकड़ने से दर्द कम होता है और गले लगने से तो दर्द होता ही नहीं है। थैंक्स मैन। मामा, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करण, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। गो ऑन। जब भी मैंने माँ के पास जाने की कोशिश की, उन्होंने मुझे अपने से दूर कर दिया। माँ और पापा सोचते थे मैं बहुत जिद्दी हो गया हूँ। प्लीज, किसी भी चीज को तुम्हें प्यार से समझाते हैं तो तुम्हें समझ में ही नहीं आती, जब देखो आर्ग्यू कर रहे हो। अब मैंने कहा चुपचाप जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। कौन है वहाँ? कौन है? अरे राज, तू आजा आजा। तुझे मैं लेकर दिल कर रहा था दोस्त। अरे दरवाजे से आना था ना यार, वो मोटा वॉचमैन मुझे अंदर थोड़ी ना आने देता था। अच्छा हुआ तू आ गया, चल चल आजा अंदर आजा। अरे बाप रे, कितना बड़ा कमरा है तेरा। मेरा तो घर भी तेरे कमरे से छोटा है। हाँ कितना मुलायम है ये, खूब नींद आती होगी ना तुझे इसमें? नहीं यार, नींद आती तो अब तक सो चुका होता मैं। मैं तो दिन में काम करके इतना थक जाता हूँ कि बाहर बरामदे पे लेटते ही नींद आ जाती है। क्या, तू बाहर बरामदे पे सोता है? तू अंदर क्यों नहीं सोता? अंदर तो मामा सोता है, मुझे तो बाहर बरामदे में सोना पड़ता है, टूटी हुई छत के नीचे। अरे तेरी शर्ट फटी हुई है। अरे वाह, तेरी शर्ट तो बहुत अच्छी है। देख राज, जो मेरा है वो तेरा है, समझा? चल खेलते सचमुच का है? किसका है ये करण? मेरे पापा का है, हम लोग इसी में तो बैठ के आए हैं। अच्छा? हाँ चल, तुझे इसकी सैर कराता हूँ। तुझे चलाना आता है? अरे खेलते हैं यार। क्यों मारा?
बाबा हा? बाबा बड़े साहब आपका सुबह से इंतजार कर रहे हैं। शहर जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, चलिए। हाँ हाँ करण राज आ का आना साहब करण करण तुम सुबह से कहाँ आए थे? तुम्हें इतनी भी सेंस नहीं किया हम लोग परेशान हो रहे होंगे। और ये कौन है तुम्हारे साथ? डैड ये मेरा दोस्त है राज। क्या ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ डैड और ये हमारे साथ जाएगा। व्हाट करण आर यू आउट ऑफ योर माइंड? प्लीज डैड मुझे राज का साथ बहुत अच्छा लगता है। देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि दिन ब दिन जिद्दी होता जा रहा है, अब आज ये एक नई जिद इसने हमारे सामने रख दी है। करण तुम इसे लेकर कैसे जाओगे? हाँ इसके साथ दोस्ती बस यहीं तक ठीक थी। अरे तुम वापस जाओगे, स्कूल जाओगे और एक दिन विदेश जाओगे फॉर योर फर्दर स्टडीज, इसको कहाँ कहाँ लेकर घूमते रहोगे? नहीं मॉम मैं जहाँ भी जाऊंगा राज मेरे साथ जाएगा, वो मेरे साथ स्कूल भी जाएगा। मॉम करण ये हमारे साथ कहीं नहीं जाएगा एंड दैट इज फाइनल। वो जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं उसके साथ रहूंगा एंड दैट इज फाइनल। इसका ना कुछ भी नहीं हो सकता, आज के बाद मैं इसे कुछ भी नहीं बोलूंगा। ओके जस्ट रिलैक्स करण। करण तुम इसे अपने साथ ले जाना चाहते हो लेकिन इससे पूछा है ये तुम्हारे साथ आना चाहता है? हाँ कम ऑन चल मेरे दोस्त। सुबह हो गई अब तक सो रही थी ना? लीना लीना गर्ल्स हॉस्टल में लड़का, गर्ल्स हॉस्टल में लड़का, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है गर्ल्स हॉस्टल में? ओह शट अप बस यूं ही चिल्लाई जा रही हो, गर्ल्स हॉस्टल में लड़का आ गया, गर्ल्स हॉस्टल में लड़का आ गया। अरे गर्ल्स हॉस्टल में लड़का नहीं आएगा तो और कौन आएगा? हाँ सुबह सुबह नींद खराब करती ना। ओए यू हैव नो मैनर्स, बिना इजाजत के किसी कमरे में घुस जाती हो तुम, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखा होता। कौन हो तुम? मैं इस गर्ल्स हॉस्टल की मैटरन हूँ, घर में का। ओह नाइस टू मीट यू, दिस इज लीना और मैं हूँ करण थापर, आई विल सी यू, बाय बाय। ओए करण थापर, यस कामिया, तुम गर्ल्स हॉस्टल में इस वक्त क्या कर रहे हो? मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ। नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, अब तो ऐसी सीरियस हो गई। मजाक? लीना ये लड़का इस वक्त तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? मैम ये मेरा फ्रेंड है, मुझे मैच पढ़ाने आया था। कपड़े उतार के मैच पढ़ाते हैं? कपड़े उतार के मैच पढ़ाते? यू आर राइट, वो कह रहा कि मैं ना मेट्रेन मैच पढ़ाते बायोलॉजी पढ़ाने लग गया था, यू नो फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आगे की फंक्शंस मैं तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाती हूं। चिल्लाओ मत विधवारत, इंस्पेक्टर राज मल्होत्रा हियर। मैंने तो पुलिस को फोन ही नहीं किया, पुलिस हाजिर हो गई। हम पुलिस वालों को बेवकूफ या कमजोर मत समझा करो,
मेरे पास यहाँ का सर्च वारंट है। सर्च वारंट? हमें खुफिया खबर मिली है कि तुम यहाँ इल्लीगल, इलिसिट और इमोरल एक्टिविटीज करती हो। मतलब? ओ, मतलब? मतलब? कैसी मासूम बन रही हो गुंडी? बाहर से लड़कों को बुलाकर इन भोली भाली लड़कियों से उल्टे सीधे काम करवाती हो, शर्म नहीं आती? अरे तुम्हारी बच्ची जैसी है, यहाँ देखो देखो देखो, देखो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है मुझे अच्छी तरह मालूम है। हमारे सूत्रों के हिसाब से यहाँ पर एक लड़का मौजूद है। क्यों, क्या हुआ, डर गई? इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत फहमी हो रही है, यहाँ लड़की तो ठीक है, गलत फहमी हो गई तो तलाशी दे दो। बैंकिंग, बैंकिंग। आप एक काम करिए ना, आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए, मैं वहाँ आपसे वार्तालाप करना चाहूंगी। तो तुम भी, खाला भी यही काम करती है। तुम्हारी इतनी जरूरत की ऑन ड्यूटी ऑफिसर को छेड़ती हो तुम, है? उसे हाथ लगाती हो? हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। देखिए मैडम, मेरा इतना बुरा वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कमरे में जाऊं। एक काम कीजिए, वो वाले रूम की तलाशी दीजिए मुझे। वो रूम? हाँ, मुझे शक, क्यों डर गई? वहाँ वो रूम की तलाशी दीजिए मुझे। चलिए इंस्पेक्टर, वो रूम में चलिए। तो चलिए, चलो। हाँ चलो चलो। ओहो, तो छुआरे लुटे जा रहे हैं, है? क्या कर रहा था गर्ल्स हॉस्टल में? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, बस भजन कर रहे थे। शाबाश, अब पुलिस स्टेशन चल के कीर्तन करते चल बे। उससे तो मैं बाद में निपटूंगा। गुंडी औरत विधवाओं के कपड़े पहनती है और रंगीन जिंदगी बिताती है। अभी भी लचक बाकी है बेहया में। क्या टाइमिंग है यार, मुझे तो लगा था मैं गया। और तूने क्या सफाई से निकाला यार, थैंक्स मैन। एक बात बता, जब तू लड़कियों से मिलने जाता है तो इनको तू गार्डन या पार्क या जू क्यों नहीं घुमाने ले जाता? अरे क्या करूं यार, वो कहने लगी कि यहीं अभी इसी वक्त। तो मैं क्या करता? तू तो दानवीर है, मना तो किसी को कर नहीं सकता, है ना? याद रखना, ये लेन देन के चक्कर में एक दिन तू जरूर फंसेगा। मुझे कुछ नहीं हो सकता। तू तो करण है महाभारत का, कवच पहन के धरती पे जो उतरा है। मेरा कवच तो तू है मेरे दोस्त, जब तक तू मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये दोस्ती तेरे दम से है, 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 ये दोस्ती तेरे दम से है। तू जिंदगी, तू जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम 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 से है। जिंदगी, तू जिंदगी, तू जिंदगी कसम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। सजा
मोहब्बत की बहारों से ये दामन भर दिया तूने, ये दामन भर दिया तूने, ये दामन भर दिया तूने, मेरी वीरान राहों में उजाला कर दिया तूने, उजाला कर दिया तूने। ये रोशनी तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। उसे बता दूं कि वो मेरे यार जैसा है, कसमों में तू वादों में तू, हर पल रहे यादों में तू, मेरी दुनिया मेरे अरमां मेरी पहचान तुझसे है, मेरी पहचान तुझसे है, मेरी पहचान तुझसे है, मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी तो जान तुझसे है, मेरी तो जान तुझसे है। ये सांस भी तेरे दम से है, ये दोस्ती 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 तेरे दम से है। तू जिंदगी, तू जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। अब एक बात तो बता, हाँ तू लीना के बारे में सीरियस है या नहीं? लीना? हाँ। कौन लीना यार? अबे जिसको तू बायोलॉजी पढ़ाता है। अच्छा वो हॉस्टल वाली लीना। अबे कितनी लीनाएं हैं तेरी जिंदगी में, हाँ? सुधर जा, आप तो सबको पढ़ाते ही रहेगा या किसी को पास भी करेगा? नहीं यार, एक दिन रात को रोमांटिक होकर पास भी कर दिया था। लीना, हाँ? सोचता हूँ अपने दिल की बात तुमसे कह ही डालूं। कहो ना। तुम्हें मेरी जिंदगी की प्रेरणा हो, तुम्हें मेरी पूजा हो, तुम्हें मेरी आराधना, तुम्हें मेरी आशा और तुम्हें मेरी अर्चना हो। मुझे भी कुछ कहना है। तो कहो ना। तुम्हें मेरे रमेश, तुम्हें मेरे महेश, तुम्हें कमलेश, तुम्हें मेरे सलीम और तुम्हें जॉन। हे भगवान, दुनिया में कोई तो ऐसा निकला जो तुझसे भी ऊंची चीज है। यार सिचुएशंस रिवर्स हो गई आजकल, तेरे को पता नहीं आजकल लड़के लड़के घुमा रही हैं। हां बरुचा, तू तो गयो भाया। कौन बरुचा? अपना वर्क्स मैनेजर, लीना का बाप। अरे लड़की है, कोई ना कोई तो बाप होगा ही ना। ये बात भी ठीक है यार। यस मैम। लो करण भी आ गया। मॉर्निंग करण। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते मिसेस थापर, कैसी हैं आप?
करण, मैंने कितनी बार कहा है ये कोई तरीका है अपनी माँ से बात करने का? माँ, आप जानती भी हैं माँ क्या होती है। देखा नंदिनी, देखा कैसे बात करता है अपनी माँ के साथ। मॉम, वो आपसे बात तो करता है, मेरी तरफ तो वो देखता तक नहीं। But who cares? बाबा, बड़े साहब आपसे मिलना चाहते हैं। बड़े साहब? चलो कम से कम उन्हें याद तो आया उनका कोई बेटा भी है। आइए आइए, कहां से तशरीफ ला रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग वॉक से? मॉर्निंग वॉक से? मुझे नहीं पता था कि मॉर्निंग वॉक के लिए रात को ही निकल जाना पड़ता है। निकलना ही पड़ता है, वो क्या है कि आजकल शहर में ट्रैफिक बढ़ गया करण। दरअसल कल बात ऐसी थी कि काफी लेट हो गए थे हम लोग, इसलिए हमने रात फार्म हाउस पर ही बिता ली और सुबह उठते वहां से मॉर्निंग वॉक पे निकल गए। करण, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे और राज के जवाब में बहुत फर्क है? फर्क है, लेकिन हमारी सोच एक है। करण, 6 साल पहले तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। 6 years, it's high time you got serious. Please, Dad. पता है जब मैं तुम्हारी उम्र का था। पता है Dad, आप भी मेरी उम्र के थे कभी, बचपन से सीधे थोड़ी ना बुढ़ापे में आ गए। Anyway, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, it's pointless. ठीक है तो मैं चलता हूँ। एक मिनट, ये मिस्टर बरूचा है। मिस्टर बरूचा, हाय, हाउ आर यू? क्या इनकी बेटी लीना? जी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? यू हैव एनीथिंग टू डू विद हर? लीना। लीना? 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 ये क्या बताएगा सर? मैं बताता हूँ। पिछले कुछ महीनों से इस कार मेरी बेटी लीना का अफेयर चल रहा है। फिर पिछले हफ्ते ये जबरदस्ती मेरी बेटी लीना के हॉस्टल में घुस गया। एंड सर, ही मेड लव विद माय डॉटर सर। तब से उससे छुपता फिर रहा है, कोई कमिटमेंट ही नहीं दे रहा है। मेरी बेटी का इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया सर। प्लीज हेल्प मी सर, मैं एक बाप हूं। एक मिनट, एक मिनट सर, बिफोर यू हेल्प हिम सर, वन सेकंड, मुझे कुछ पूछना है। मिस्टर बरूचा जी, आपकी बेटी अंधी है? नहीं। गूंगी बहरी है? नहीं। तो जब करण उनके कमरे में जबरदस्ती घुसा था तो वो चिल्ला नहीं सकती थी, किसी को बुला नहीं सकती थी? She couldn't call somebody for help? No? देखिए मिस्टर बरूचा, ये जो कुछ भी हुआ है इन दोनों के मर्जी के साथ हुआ है। अगर आपकी बेटी के मैं बॉयफ्रेंड की लिस्ट गिना दूं ना तो आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। मुझे तो डर है कहीं आपको लूज मोशन ना हो जाए। मिस्टर थापर इज अ वेरी रिस्पेक्टेड मैन एंड ऑनरेबल पर्सन। इनको अपनी इमोशनल ये मंबो जंबो सुना के इनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। डोंट थिंक वी आर फूल्स। मैं ऑफिस में जाता हूं सर। वहीं रहिएगा, दैट्स द राइट प्लेस फॉर यू। परफेक्ट, वहीं वहीं रहिए। मैं करण को देखता हूँ सर। सॉरी, क्या हो रहा है करण? अबे क्या हुआ? अबे बरूचा तो गयो। अबे वो तेरे को क्या, तेरे घर को भी नहीं देखेगा। लेकिन यार डैड वाज राइट, यू शुड वर्क, तेरे को काम पे जाना चाहिए यार। अबे सुबह सुबह लेक्चर मत दे, जा रेडी हो, हमको बाहर जाना है। ओके, लेकिन कहाँ जा कर रहे हैं? जाके रेडी होना पहले। लेकिन जा कर रहे हैं? अबे जाना और जल्दी रेडी होना। ओके ओके, चल अभी सस्पेंस छोड़, जाना की तरह बता। अब तू इतना इंसिस्ट कर रहा है तो बता ही देता हूँ। वो अपनी अंजलि है ना, अंजलि? हाँ। उसकी सगाई है। क्या? हाँ। क्या बोला तू? करण तू झूठ बोल रहा है यार, परसों मैं अंजलि से मिला था, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वो क्या है ना कि उसके भैया के बचपन के दोस्त के भाई के साथ बात बन गई। हाँ? इसलिए 2 घंटे में अर्जेंटली सगाई है। 2 घंटे में सगाई? हाँ। अरे बचपन से तो उसको मैं भी जानता हूँ। तो ये सगाई नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ये सगाई, मैं नहीं मानता, दिस इज चीटिंग। पर क्यों? अंजलि में कुछ गड़बड़ है क्या? यार तू कैसी बातें करता है, तू दोस्त है या दुश्मन मेरा? अरे अपने दोस्त के इमोशन को समझ, उसे झांक के देख अंदर, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्या 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 इमोशन मेरे? मैं उसे प्यार करता हूँ। किससे? अंजलि से, मेरे भाई अंजलि से। क्या? कब से? बचपन से। बचपन से? तो बोला क्यों नहीं? सोचा बड़ा होके बोलूंगा। अबे और कितना बड़ा होगा, बुढ़ापे में बोलेगा? तू बड़ा होता रहे, वहां चट मांगनी पट ब्याह। नहीं नहीं, ये ब्याह नहीं हो सकता, ब्याह नहीं हो सकता, ब्याह नहीं हो सकता। नहीं, तू उसे प्यार करता है? बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। शादी रोकना चाहता है? बिल्कुल रोकना चाहता हूँ। पक्का? पक्का।
तो चल मेरे दूल्हे, चल चल रुक दे। वो साइकिल वाली हमारी गाड़ी से आगे निकल गई। आज अंजलि की सगाई है ना, हमें जल्दी पहुंचना चाहिए ना, लेकिन वो साइकिल वाली हमारी गाड़ी से आगे जा रही है। ये तू जानबूझ के कर रहा है ना, मुझे मालूम है तू जानबूझ के कर रहा है। तू नहीं चाहता कि अंजलि और मैं एक हो जाए। अबे वहां पहुंच के क्या उखाड़ लेगा तू? हाँ सेरेमनी तो वैसे ही खत्म होने वाली है। तुझे पता भी है कि अंजलि तुझसे प्यार करती है या नहीं? हाँ ये तो बात है यार। और वहां इतने सारे लोग भी तो होंगे, अंजलि का भाई भाभी, उसका होने वाला हस्बैंड, उसके माता पिता। जब इतने साल तक तू उससे अकेले में कुछ नहीं कह पाया तो इन सबके सामने क्या बोलेगा? हाँ क्या बोलेगा? ओए क्या बोलेगा? बोलूंगा मैं, क्या आज बोलूंगा, यही बोलूंगा कि अंजलि, अंजलि तुम मेरी प्रेरणा हो, प्रेरणा हो। अंजलि तुम मेरी पूजा हो, पूजा हो। अंजलि तुम मेरी पराठा हो। अब तू रहने दे यार, मैं बोल लूंगा। तो फिर बोल। बोलता हूँ अंजलि, मेरी आंखों में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर है, ख्वाबों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अंजलि प्लीज मेरे प्यार को मत ठुकराना, मैं तो तुम्हें बचपन से जानता हूँ, प्यार करता हूँ, और यहाँ तक कि अंजलि हमारा ब्लड ग्रुप भी सेम है। वाह क्या स्टाइल है यार, तू तो मुझसे भी आगे निकल गया यार। तेरे स्टाइल को देख कर ना अंजलि सारी दुनिया छोड़कर तेरे कदमों में गिर पड़ेगी। मानता है मुझे? मानता हूँ भाई, मानता हूँ मेरे प्यार के पुजारी, आज तक कोई नहीं रोक सकता। तेरे चेहरे की चमक तो देख। अरे ये तो अंजलि के प्यार की चमक है, कोई ऐसी वैसी चमक नहीं है भाई। अबे बेवकूफ, ये शेविंग फोम की चमक है। क्या अभी वो तेरा साफ कर ले, वरना तुझे इस हालत में देखेगी ना तो अंजलि भाग जाएगी। अच्छा तू गाड़ी चला, जल्दी चला, आज नहीं तो उसकी सगाई हो जाएगी। रुक 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 रुक, बस बस है? इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? एंगेजमेंट हो गई क्या उसकी? राज तूने बहुत देर कर दी मेरे यार। अंजलि, अंजलि को बताने में भी और यहाँ आने में भी। शकल अच्छी ना हो ना, बातें अच्छी किया कर। अबे तेरी तो मारूंगा अभी तो। अंजलि लगता है वो चली गई। चलना ले, आ गई। राज क्यों चीख रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? अंजलि सच बताओ, तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई? एंगेजमेंट? उंगलियां बताओ अपनी, बताओ। ये क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारी उंगलियों में एंगेजमेंट की रिंग ढूंढ रहा है। एंगेजमेंट? पैरों की भी चेक कर ले। किसने कहा मेरी एंगेजमेंट हो रही है? किसने कहा मुझसे? करण तुमने झूठ क्यों बोला? अगर मैं झूठ नहीं कहता तो ये सच कैसे कहता? कौन सा सच? इसी के मुँह से सुन लो। अब इसको बकवास करने की आदत है, तू तो जानती है इसको। अबे तू पागल? अबे क्रिकेट इतनी जल्दी पलट गया, दिमाग खा गया गाड़ी में बक बक के? मैंने क्या बोला गाड़ी में तुझे? अंजलि के बारे में? अंजलि के बारे में? मेरे बारे में? हाँ। मेरे बारे में क्या कहा बोलो ना। ये कह रहा था? कुछ नहीं कह रहा था। पागल हो गया तू? इसको तो मजाक करने की आदत, बकवास कर रहा तू। चल तुझे बताता हूँ तुझको। मुझे क्या बताएगा, इसे बता। इसको क्या बताऊँ मैं? यही की क्या बताना है? मैं बताता हूँ। अरे तू चल मेरे, बोलो ना। चल पागल है, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? अंजलि मेरी आंखों में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर है, ख्वाबों में तुम हो। ये कब तूने रिकॉर्ड किया? जब तू बक रहा था। सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है अंजलि। ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। थोड़ी खुशियाँ हो, थोड़े आंसू हो, और जरा जरा पे मुस्कुराए। ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। थोड़ी खुशियाँ हो, थोड़े आंसू हो, और जरा जरा पे मुस्कुराए। ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी।
कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। राज मुझे घर जाना है। हाँ तो जाओ घर जाओ। समझा करो राज, देर हो चुकी है, भैया को क्या जवाब दूंगी? अरे भैया से कह देना कि मैं राज के साथ ही, और जब भी मैं राज के साथ रहती हूँ तो वक्त वहीं का वहीं थम जाता है। जी करता है कि बस उसके सीने से लगी रहूं, एक पल भी उसके बिना रह नहीं सकती। बल्कि आज तो उसने मुझे एक सवाल भी किया। कैसा सवाल? सवाल विल यू मैरी मी। क्या? विल यू मैरी मी? थैंक गॉड तुमने ये सवाल कर दिया, नहीं तो मुझे लगा जैसे तुमने अपने प्यार का इजहार लेट किया था। वैसे भी तुम शादी बुढ़ापे में ही प्रपोज करोगे। नाउ दैट्स फनी, दैट्स रियली फनी। अच्छा मजाक बहुत हो गया, बताओ विल यू मैरी मी? अरे भैया जवाब दो। भैया से इजाजत ले लो, मैं तो तुम्हारी ही हूँ। अब तुम्हारे भैया के पास तो हमारे करण भाई साहब भी जाएंगे। करण, ये लड़कियां घुमाने का मामला नहीं है। अरे हाँ, लड़कियां घुमाने का मामला नहीं है। काश तुम्हारे भैया लड़की होते। अरे लेकिन तुम्हारी भाभी तो है, उससे बात कर ले, क्या ख्याल है राज? अरे कहीं मरवा ना दे ये करण कसम से। हाय, आई मीन नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते भाभी। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ कहिए, आप कुछ बात करना चाह रहे थे? हाँ बात करनी थी मुझे। जी हाँ, फोन पे आपने कहा था कि कुछ जरूरी बात है। करनी थी अंजलि के बारे में। अंजलि के बारे में क्या बात करनी थी? वो जवान हो गई है ना। क्या? नहीं मेरा मतलब बड़ी हो गई है। आपको ना एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो तुम्हें अंजलि पसंद है? अरे अंजलि को कौन पसंद नहीं करता, वो तो है ही इतनी अच्छी। बस जिस लड़के से उसकी शादी होगी ना, ही विल बी अ वेरी लकी बॉय। तो साफ साफ कहो ना कि तुम अंजलि से शादी करना चाहते हो। बस आप हाँ कर दें। नहीं नहीं, मैं नहीं, वो तो मैं अंजलि की राज से शादी की बात कर रहा हूँ। राज? राज? हाँ राज। राज और अंजलि एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। प्यार से लम्हे गुजरते हैं करण, जिंदगी नहीं कटती। शादी के बाद राज करेगा क्या? वही जो अब तक कर रहा है। यू मीन नथिंग? और करने की जरूरत भी क्या है? काम तो वो करते हैं ना जिन्हें पैसों की जरूरत हो। आप तो जानते ही हैं, जो मेरा है वो सब राज का भी है। करण सिर्फ इतना सोचो, कल जब उसका परिवार पड़ेगा, हाँ, और जब उसके बच्चे उससे पूछेंगे कि पापा आप करते क्या है, हाँ, तो वो क्या जवाब देगा? दोस्ती? कोई नौकरी, परमानेंट इनकम तो होनी चाहिए। शादी के बाद उसका कम से कम अपना एक घर हो जहाँ वो अंजलि को रख सके। एक्चुअली यू आर राइट, ये तुमने कभी सोचा ही नहीं, मगर आपने कह दिया ना, तो घर, नौकरी, परमानेंट इनकम, ये सब हो जाएगा। Well, this is a very, very impressive data. I'm thoroughly impressed. See to it that you give me a detailed report about the proceedings. Good morning, Dad. Good morning. Sure. This is a surprise. तुम और ऑफिस में? हाँ, Dad. मैं और ऑफिस में।
मैंने डिसाइड कर लिया आज से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। अचानक ये बदलाव कैसे? राज डैड, उसने मुझे बहुत समझाया कि अब मुझे अपनी लाइफ सीरियसली लेनी चाहिए, अपने काम और अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। थैंक गॉड, आई विल पर्सनली थैंक राज फॉर दिस। डैड, मेरी एक शर्त है, मैं चाहता हूँ कि मेरे किसी भी फैसले में किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। एनीथिंग इज सन। तो डैड, मैंने एक फैसला कर लिया है, आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। करण, ये डैड, कम ऑन प्लीज। थैंक्स डैड। जस्ट अ मिनट, कहाँ जा रहे हो? ये पेपर साइन करवाने आए थे क्या? नहीं डैड, वो क्या कि मैंने आज से ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, लेकिन मैं रिज्यूम करूंगा राज की शादी के बाद में। राज की शादी कब है? बस जल्दी आपको कार्ड मिल जाएगा। ओके डैड। ये नहीं सुधरेगा, हर जगह राज को बीच में लाके खड़ा कर देता है। हमारी दूसरी कॉफी खत्म होने जा रही है, हमारे करण माश ही नहीं आए। राज, टाइम टू सेलिब्रेट माय फ्रेंड। ये क्या? योर अपॉइंटमेंट लेटर। किसने दिया? डैड ने। जरूर प्रेशराइज किया होगा तूने। नो वे मैन, वो तो मेरे पीछे पड़ गए थे। जिस तरह तूने भरूचा का केस हैंडल किया ना, he was highly impressed by him. बस तुझे कंपनी का पीआर अपॉइंट कर लिया है। You know, he needs talented people like him. 50,000 rupees की तनख्वाह, बंगला और कार भी। Thanks Karan. He deserves it. My friend deserves it. अच्छा बताओ, तुम शादी कब कर रहे हो? जब कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। And what's your definition of a good girl? जिसे देखते ही नजरें किसी और को ना देखे, दिल जोर जोर से धड़के और आंखों में एक चमक सी आ जाए। लो, चमक आ गई तुम्हारी आंखों में। चली गई। आ जा जा, पीछे भाग भाग भाग, उसको पकड़। अबे मजाक मत कर यार। तूने उसकी गाड़ी का नंबर देखा? हाँ लिया ना मैंने उसकी गाड़ी का नंबर। तो बता ना। हाँ मैं तो ट्रैफिक हवलदार हूँ ना, जो पेड़ों के पीछे बैठ के छिपके नंबर लिखता हूँ। पागल हो गए, नंबर लिख रहा हूँ बैठ के। कमीने, बोल। तुझे तेरी दुल्हनिया मिल गई है ना? कोई बात नहीं, मुझे मेरी दुल्हनिया दिख गई है। बनेगी ये दुल्हनिया 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 दुल्हनिया, तेरी बनेगी ये दुल्हनिया 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 दुल्हनिया, शर्माए शर्माए दुल्हनिया 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 दुल्हनिया। रात ये आई है नाचेंगे हम, तेरी सगाई है नाचेंगे हम, नाचेगी संग में दुल्हनिया 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 दुल्हनिया। तेरी बनेगी ये दुल्हनिया 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 दुल्हनिया, शर्माए शर्माए दुल्हनिया 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 दुल्हनिया। तुझसे है हर खुशी।
राजेश फ्रेंड राज द ब्राइडग्रूम। आप राज के फ्रेंड हैं तो मैं क्या करूं? आप डांस क्यों नहीं करती? किसके साथ नाचूं? मुझे यहाँ कोई हैंडसम गुड लुकिंग लड़का दिखाई नहीं दिया। आप मजाक कर रही हैं या फिर मेरी इंसल्ट? या फिर आपको हैंडसम या गुड लुकिंग का मतलब नहीं पता? आप कुछ भी समझ लीजिए लेकिन इसे मजाक मत समझिएगा मिस्टर राजेश फ्रेंड। जो लड़की पहली मुलाकात में मेरा नाम भूल जाए वो दूसरी मुलाकात में खुद को भूल जाती है। मेरा मतलब मेरे सिवा उसे कुछ याद नहीं रहता। यू आर रियली फास्ट एंड इंपॉसिबल। उर्मिला मेरी बात तो सुनो। मैं उर्मिला नहीं काजल हूँ। अच्छा ठीक है अभी अपने पति को मत बुलाना वरना बिना मतलब के झगड़ा हो जाएगा। आई एम सिंगल। तो फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरे हाथों पिट जाएगा। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। थैंक गॉड। तो तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही बोलते हैं? क्या करूं आपको देखकर कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूं। उफ़ो। हाय। नाम काजल ना पति ना बॉयफ्रेंड बिल्कुल कुंवारी। सारी इंफॉर्मेशन ले ली अब दूसरी मुलाकात में दिल भी ले लूंगा। क्या बात है कोई प्यार में पड़ गया लगता है। नाम काजल शर्मा बॉर्न ब्रॉट अप इन लंदन यहाँ बायोजेनेटिक्स की रिसर्च के लिए आई है। जेट स्पीड पे निकल पड़ा मेरा दोस्त। अरे जब सही लड़की मिल जाए ना तो ना प्यार में देरी करनी चाहिए और ना शादी में। यू आर राइट। नहीं तो ये लेट लतीफ ना फिर शुरू। भाई मैंने फैसला किया है हम शादी करेंगे साथ मंडप में बैठेंगे तो साथ क्या ख्याल है? डन पक्का। अरे करण तुमने लड़की देखी नहीं और शादी तक पहुँच गए। अरे ये काम तो मेरे लिए यूँ चुटकी के बराबर है। इसे मेरा बायोडाटा नहीं मालूम। इसके सामने तो बोल दिया है काजल के सामने अपने बायोडाटा की बात मत करना वो बस बायोजेनेटिक तक ही सही है।
ऑफ कोर्स यू राइट, कभी नहीं। अच्छा भैया ने हम लोगों की शादी अगले महीने की 31st को रखी है। हाँ। तुम तब तक उसे राजी कर लोगे या मैं डेट आगे बढ़वा लूं? नॉट एट ऑल, इतने दिनों में तो मैं 10 लड़कियां पटा लूं। शुरू 10 लड़कियां? नहीं, दिस इज वन एंड ओनली फाइनल, इसके बाद में कोई भी नहीं। प्रॉमिस। अच्छा भाई सुनो, आप अपने भैया को कह दो कि शादी की तैयारियां कर ले, तब तक मैं इसकी हेल्प करता हूँ लड़की मनाने में। अरे कम से कम इतना तो मुझे करने दे। पर बात है, शादी हम एक ही दिन करेंगे। चल जल्दी चल, नहीं तो हम। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। ओह माय गॉड, थैंक यू। थैंक्स काजल, अब क्या हो रहा है? आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। हाउ स्वीट, ये सब कौन कर रहा है? ओह माय गॉड। नहीं, तुम ही, बस तुम, सिर्फ तुम। क्या घिसे पिटे रिकॉर्ड की तरह अटके हुए हो? घिस जाऊंगा, पिट जाऊंगा, एक बार हाँ कह दो तुम्हारे प्यार में बिक जाऊंगा। बिलीव मी, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ? तुम कहो तो आसमान से 4 तारे तोड़ के ले आऊ, 25 माले की बिल्डिंग से कूद जाऊं। डार्ली, मैं तो तुम्हारे लिए जहर भी खा सकता हूँ। बोरिंग लाइन। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। अगर मैं मर गया तो ऐसे प्यार का क्या फायदा? राइट? राइट। अरे मैं तो तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, जिंदगी बिताना चाहता हूँ। जिंदगी कुछ घंटों का खेल नहीं, साथ निभाना पड़ता है। डार्लिंग, आजमा के देख लो। अच्छा, आजमा लेती हूँ। आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड। आर यू सीरियस? इजी बेबी, सिर्फ ट्रायल पीरियड के लिए। हाँ? ये कौन सा फंड है? मेरी कुछ शर्तें हैं। तुम्हारी हर शर्त मंजूर है? मैं जो भी कहूंगी वो करना पड़ेगा, जब बुलाऊंगी तब आना पड़ेगा, फिर जैसे भी हो मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद भी अगर तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगे, then I'm all yours. Darling, you're already mine. We'll see. मैं सोच रहा था कि ये लड़की मेरी बैंड तो नहीं बजा देगी ना। यार तू छोटी छोटी बातों में डरता क्यों इतना? नहीं मैं सिर्फ पूछ रहा था यार। नहीं मैक्सिमम क्या कर रही है वो लड़की यार? क्या? मैं तो सोचता हूँ कभी कहीं तुझ पे रेप केस ना करते। घर पे पुलिस आ जाएगी, तुझे लीगली आके पीटेगी। लीगली? हाँ, और ये फोन खाना बंद कर। तो सुन, उसके घर पे कुत्ते वत्ते तो नहीं है? क्यों? ऐसे ही पूछ रहा था मैं। अभी तू मुझे डराना चाहता है या हिम्मत देना चाहता है? अबे तेरे को हिम्मत देना चाहता हूँ, तेरा टेस्ट ले रहा था, गुर्दे का मैंने टेस्ट लिया है, तू पास हुआ है, अब तू एकदम तैयार है, यू आर कॉन्फिडेंट, गो अटैकर, चू। करण, ये मेरा बंगला नहीं अपार्टमेंट है। तो मेरे बंगले में शिफ्ट हो जाओ। वो भी हो जाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल चलो। चले? करण देखो। क्या? I like simple living and high thinking. मुझे आम लोग पसंद हैं। Darling, मैं तो आम ही आम हूँ। तो फिर जल्दी चलो, बस मिस हो जाएगी। बस? हाँ बस। तो फिर कार? Simple living, high thinking. क्यों? नहीं आना मेरे साथ? बस। You know something? मेरे बचपन से यही सपना था कि मैं बस में सफर कब करूँगा। क्या हुआ? कुछ नहीं करण। हाँ? देखो करण, मुझे यहाँ बैठना है, इसे उठाओ ना। जस्ट अ मिनट बेबी, जस्ट अ मिनट। भाई साहब, ओ भाई साहब, ये लेडी सीट है, उठो। अरे लगता है इसके कानपुर में हड़ताल है। अबे जब सुन सकता है तो उठ, ये लेडी सीट है, मुझे नहीं मेरी गर्लफ्रेंड को बैठना है, उठ। अबे सांड देख क्या रहा है, देख क्या रहा है, खा जाएगा मुझे, खा जाएगा, चल उठ, चल अपने गुस्से और अपने आप को साइड में कर, चल। मेरे भाई से पर ना मत ले। ये कौन बोला? अबे तू बोला? नहीं मैं नहीं बोला। अगर इसने नहीं बोला तो फिर किसने बोला? हाँ
मैं बोला। तू बोला? हाँ। तू बोला? हाँ। कमाल की आवाज है भाई साहब, मेरे मतलब I'm sorry बहन जी। मेरे भाई की आवाज में हंस मत। तो तू भी करण। लगता है पूरी फैमिली में प्रॉब्लम है। वाह क्या डिजाइन बनाया कमबख्तों ने। हाँ ये उबड़ खाबड़ अदरक लग रहा है बिल्कुल तू आज। You're right। दर्द तो नहीं हो रही? नहीं। पक्का? सच पूछिए। तो ठीक है ये बर्फ लगा जल्दी ठीक हो जाएगा। ये लड़कियां सूली चढ़वाएंगी तुझे। जाटू चल जाऊंगा सूली पर। ये हुई ना कोई मर्दों वाली बात। क्या से क्या हो गया बेवफा। कुछ भी कहो इसे नाइस का है। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता वो आएगा। आएगा नहीं आ गया। हाय काजल कहाँ हो तुम? टेरेस पे। आओ ना जल्दी से बेबी। आई विल बी देयर इन अ सेक। बाय। हाय। हे बेब। करण ये मेरी बेस्ट फ्रेंड इशिता। ओह हाय हाउ आर यू? इशिता ये मेरे ऑन ट्रायल बेसिस बॉयफ्रेंड करण। नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू टू। नाइस मीटिंग यू टू। तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है? हाँ लेकिन तो चलो अंदर चलते। नहीं अंदर नहीं मेरा आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है। मेरा भी। लेट्स गो टू द आइसक्रीम पार्लर। चले करण तुम जाकर ले आओ ना। तुम ये सोच रही हो कि मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाऊंगा और तुम मजे से खाओगी तो तुम जरूर खाओगी। विच फ्लेवर? हनी एंड नट्स। मैं यूं गया और यूं आया। वाओ जी मैम साहब। हाँ मैम साहब। हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। वॉचमैन सलाम साहब। अभी भी तो मैं नीचे आया था। ये लिफ्ट कैसे खराब होगी? बुरा वक्त बोल के नहीं आता है साहब। वैसे आपको जाना कौन से माले पे है? टेरेस पे। वो तो बस 30वें माले पे है। बस 30 माला। I hope I'm not late. No. No, no. You're right on time. Ice cream. Yeah, your ice creams. Oh, thank you. Yeah, babe. ये क्या करन? क्यों? मुझे कप में नहीं कौन में चाहिए था? कौन में चाहिए था? तुम कौन ले आओ ना? ले आओ। अरे जेदी लाल आशिक का शरीर है जरा आहिस्ते सेको भैया आहिस्ते सेको। अबे अबे यहाँ जा निकल रही है और तू मेरा मजाक बना रहा है। अबे कौन मजाक उड़ा रहा है? देख मैं तेरे लिए गरम गरम पानी भी ले आया हूँ। ले सेक ले। तेरे लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी ले आता हूँ। आइसक्रीम। चुप हो जा इशिता। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे कुछ ज्यादा टॉर्चर तो नहीं किया ना? ज्यादा कहाँ। नहीं नहीं बस मैं पिटवाया नौकरों की तरह ट्रीट किया फ्लश ठीक करवाया 30 माले पर आइसक्रीम ज्यादा कहाँ है। लेकिन इशिता वो आएगा ना। राज ये लड़की तो मेरी जान ले कर आएगी। वो तो भाई नजर आ रहा है तेरी टांगों से तो शुरू कर ही दिया उसने। कहा बस बस कभी नहीं मिलूंगा। रात हो चुकी है अभी तक नहीं आया। फोन तक नहीं किया उसने। उल्टा फोन ऑफ कर चुका है। क्या सोचता है वो कि मैं घर में बैठे रहूंगी उसके लिए? चुपचाप सो।
नहीं जा रही उसके पास ये पूछने के लिए कि उसने मेरे साथ ये सब क्यों किया। उसने कहाँ थे तुम, क्यों नहीं आए, फोन तक नहीं किया, उसके ऊपर से फोन ऑफ कर दिया तुमने। I don't need you. Go away. तुम फेल हो गए। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आसमान से चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूँ, 25 माले की बिल्डिंग से छलांग लगा सकता हूँ, डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए शहर भी खा सकता हूँ। Boring life. You're right. Absolutely right. अगर मैं मर गया तो क्या फायदा ऐसे प्यार का? मैं तो तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, जिंदगी बिताना चाहता हूँ। I love you. I love you too. जाना जाने मन मुझे पागल बना देगा मेरा दीवानापन। ओ जाने मन, ओ जाने मन, ओ जाना जाने मन, बेताब बेचैन बाहों में आके दिलकश जफा धड़कनों में समा के दे दो मुझे एक चांस। लेट्स बूगी बूगी डांस डांस, लेट्स बूगी बूगी डांस डांस, नाउ्स द टाइम to romance. Let's boogie woogie dance dance, let's boogie woogie dance dance. Ooh. Ooh. जाएंगी अब नजदीक आना सनम है जरूरी। कटेंगे बता दे तेरे बिन, प्यासी निगाहों
डेकोरेटर्स केटरर्स सबसे बातें हो चुकी है और कुछ रह तो नहीं गया। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आज रात तक अंजलि की शादी का जोड़ा भी तैयार हो जाएगा। ए बरूचा साहब, वेलकम वेलकम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कार्ड तो मिला ना आपको? कार्ड मिला तभी तो आया हूं मैं यहां पर। ये किसके साथ शादी करवा रहे हैं आप अंजलि की? राज से। क्यों? राज को जानते हैं आप? परुचा साहब, हो सकता है कि करण ऐसा हो, पर राज तो बहुत अच्छा लड़का है। संगत का असर अच्छे अच्छों पर पड़ जाता है। ये लड़के शादी करने वालों में से नहीं है। पर वो दोनों एक ही दिन शादी कर रहे हैं। कहने और करने में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, अंजलि मेरी बेटी जैसी है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं खुद चोट खा के बैठा हूँ, भगवान ना करे कि ऐसे जख्म आपको मिले। काजल, हाय। हाय। करण से मिलने जा रही हो ना? या घबरा मत, मुझे पता है, लेकिन शायद तुम करण के बारे में कुछ नहीं जानती। आई एम लीना बरूचा, करण एक्स गर्लफ्रेंड। मैं क्यों तुम्हारा विश्वास करूं? हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ बोल सकती हूँ, पर ये फोटोग्राफ्स, हे हनी, आई एम ऑलरेडी हियर, तुम कब आ रही हो? अब मैं कभी नहीं आऊंगी करण। कम ऑन काजल, अब मजाक मत करो। मजाक तो तुमने मेरा बनाया है करण। ये तो अच्छा हुआ कि सारी सच्चाई बता दी मुझे लीना ने। लीना, देखो उसकी बातों में मत आना। वो बातें, मैंने तुम्हारी वो फोटोग्राफ्स देखी है जो तुम्हारे कैरेक्टर का सबूत है। मुझे तो डर लगता है इस ख्याल से भी कि कहीं किसी दिन तुम मुझे भी लीना की तरह यूज कर फेंक देते। काजल, बिलीव मी, ऐसा नहीं है। यू द ओनली वन आई एवर लव। जस्ट शट अप, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। अब और आज के बाद ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना और ना ही मुझसे बात करने की। काजल, हमारे बीच जो कुछ भी था सब खत्म। साहब, काजल मैम साहब तो सामान लेकर बाहर चली गई हैं। अंजलि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम समझने की कोशिश करो राज, शादी के कार्ड्स बढ़ चुके हैं, यहाँ तक कि मैंने शादी का जोड़ा ट्राई कर लिया है, और अब तुम कह रहे हो कि तुम शादी नहीं कर सकते? काजल अगर करण से दूर चली गई तो उसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मैंने उन्हें अलग किया है? मैंने कहा तुमने अलग किया है, मैंने कहा तुमने अलग किया है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि बचपन से लेकर आज तक करण हमेशा मेरा साथ देता है, और यहाँ तक कि हमने फैसला भी किया था कि हम जब भी शादी करेंगे साथ में करेंगे, साथ में मंडप में बैठेंगे। आज उसका दिल टूट गया है तो मैं खुशियां मनाऊं, मैं शादी कर लूं? नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। अगर तुम फैसला कर ही चुके हो तो मुझे मत समझाओ। तुम्हें जो कुछ भी कहना है भैया से कहो। मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगा? मेरी और मेरी बहन का यह तमाशा बन जाएगा। आपको दुनिया की परवाह है, लेकिन मुझे अपने दोस्त की परवाह है। हमारी शादी होने के बाद आपकी दुनिया का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को सब्र करना चाहिए। पर ये शादी होगी कब? करण की शादी दोबारा पक्की होने के बाद। और करण शादी करने वाला नहीं। भास्कर, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये और इसका दोस्त सिर्फ लड़कियों के दिल से खेल सकते हैं, घर नहीं बसा सकते। मिस्टर बरूचा, बीच में आग लगाने की कोशिश ना करो। मैं आग नहीं लगा रहा हूँ, मैं अंजलि की जिंदगी में आग लगने से रोक रहा हूँ। जिस तरह मेरी बेटी की जिंदगी को तुम्हारे कमीने दोस्त ने बर्बाद किया। देखिए, मेरे दोस्त के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए। क्या करोगे, मारोगे? तुम्हारे दोस्त ने जो मेरी बेटी के साथ किया है, एक बाप उससे ज्यादा और जलील क्या होगा? मेरा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो मैं भी बता सकता हूँ कि आपकी बेटी क्या चीज है। हाँ, आज मेरी बेटी के बारे में बोल रहा है, कल अंजलि के बारे में बोलेगा। रुचा, तुम लोग रिश्ता तोड़ने के लिए बहाना ढूंढ रहे हो?
आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये करण का चमचा है, उसके टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता। परुचा उल्टा सीधा मत बोल। मेरे ही घर में इनकी इंसल्ट करने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। और ये क्या गलत कह रहा है? तुम अपने बलबूते पर नौकरी तक ढूंढ पाए हो? भैया चुप हो जाइए। मेरी बात सुनो, वो भी करण की भीख थी। तुम्हारी औकात क्या है? क्या है तुम्हारी औकात? मैं अपनी भेंट की जिंदगी का तमाशा बना दूं, वो भी तुम्हारे अय्याश दोस्त के कारण? देखिए, आप मेरे दोस्त के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए। तुम शादी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे दोस्त का दिल टूटा है। वो मरा तो नहीं ना? पर हाथ उठाया। इन्होंने करण के बारे में उल्टा सीधा बोला, इसलिए मैंने। भैया सच कहते हैं, तुम कभी करण के खिलाफ जा ही नहीं सकते क्योंकि तुम उसके मोहताज हो। घर किसका? करण का। गाड़ी किसकी? करण की। तुम सिर्फ करण की परछाई हो। तुम्हारे पास अपना है क्या? एक प्यार था जो मैं समझती थी मेरे पास है, मगर नहीं, अब वो भी तुम्हारे पास नहीं। तुम्हारा अपना अस्तित्व क्या है? क्या है तुम्हारी पहचान? कुछ नहीं। You're nothing but a parasite. खत्म हो गया तुम्हारा और मेरा ये रिश्ता। भूल जाना कि तुम मुझे कभी जानते भी थे। निकल जाओ यहां से। दोबारा भूल कर भी मुझे मिलने की कोशिश मत करना। निकल जाओ। ये कौन सी बात हो गई यार? हाँ, तूने कह दिया कि एक साथ शादी करेंगे तो क्या आगे पीछे नहीं हो सकती? इतनी छोटी सी बात पे तो अपना रिश्ता तोड़ रहा है। देख, मैं अंजलि को समझा दूंगा। शादी उसी दिन होगी जिस दिन की तारीख पक्की है। तू चल मेरे साथ। मैं अंजलि के साथ शादी नहीं करूंगा बस। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने जो मुझसे आज कहा है वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। चुपती है वो बात, पर जो कुछ भी उसने कहा है वो सच ही तो था। मेरी कोई अपनी पहचान ही नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं है मेरा। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं है करण, सच कह रहा हूं। मेरी नौकरी तुम्हारी दी गई, घर तुम्हारा, गाड़ी तुम्हारी दी गई, भीख मेरा अपना कुछ क्या है? देख, ऐसी बातें मत कर। हम दोनों में फर्क ही क्या है? हम कहां अलग हैं? जो मेरा है वो तेरा है। नहीं, जो तेरा है वो तो अपने पास ही रख। मुझे अपने खुद की पहचान बनानी है, और वो तभी पॉसिबल है जब मैं तुझसे दूर चला जाऊंगा। क्या तू मुझे दूर जाना चाहता है? इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। समझे, हमारी मंजिल एक है और रास्ता भी, और उसी रास्ते पर मैं कहीं गुम हो गया हूं। मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां लोग मुझे मेरे नाम से जाने, मेरे काम से पहचाने। मैं अपनी पहचान खुद ढूंढना चाहता हूँ। राज, देख, तुझे अपनी पहचान ढूंढनी है ना, तो ढूंढ। लेकिन वो तू मेरे साथ रहकर भी कर सकता है। नहीं, तेरे साथ रहूंगा तो तेरी परछाई बनकर ही रह जाऊंगा, और वो मैं बनना नहीं चाहता। मत जा, तू मुझसे मेरे दोस्त, मैं जी नहीं पाऊंगा। और अगर मैं तेरे साथ रहूंगा तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। अब तो घुटन सी होने लगी है मुझे। साल साथ रहने के बाद आज तुझे घुटन होने लगी है। मैं जानता हूं तेरे बहुत एहसान है मुझ पर जो मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा। तूने अब तक मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन अब मुझे तेरे साथ की जरूरत नहीं है। जरूरत? तू इतने साल मेरे साथ इसलिए रहा क्योंकि तुझे मेरी जरूरत थी। अब तू समझ गया ना, तो जाने दे मुझे। जा, जा, जा रहे, जा। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे कुछ याद नहीं रखना। भूल जाना चाहता हूं सब कुछ करण, सब कुछ भूल जाना चाहता हूं मैं। अपनी दोस्ती भी? हाँ, अपनी दोस्ती भी। करण,
करण आई ओके? राजा आया था मेरे पास, उसने फ्लैट की चाबी लौटा दी है। He resigned from the job and returned the check as well. कुछ कह भी रहा था? हाँ, अपनी पहचान खुद बनाना चाहता है। चलो अच्छा ही हुआ, देर से ही सही लेकिन अक्कल तो आई। वैसे भी वो बोझ ही तो था जिसे तुम बचपन से अपने कंधों पर लेकर घूम रहे थे। मिसेस थापर, वो मुझ पर बोझ नहीं था, बोझ तो उसने मेरा उठाया था, उस अकेलेपन का जिसे बचपन से आप दोनों ने मुझ पर लाद दिया था। कल अगर उसने मेरा हाथ नहीं थामा होता तो आज मैं यहां नहीं होता। एनीवे, राज इज सच अ यूजर। मॉमी, ऑर्डिनरी लोग अमीरों का ही हाथ क्यों थामते हैं? डार्लिंग, इट्स जस्ट अ स्ट्रेटजी। वो ऐसे लोनली सोल्स को ढूंढते हैं जिनका हाथ पकड़कर वो रातों रात अमीर हो जाए और ऐसी लाइफस्टाइल जिए जो उन्होंने सिर्फ अपने सपनों में देखी है। मीठी मीठी बातें बोलकर सामने वाले का दिल जीत लेते हैं। जस्ट जोकर्स, यू नो, हु एंटरटेन यू टिल यू गेट एडिक्टेड। अब करण को देखो, राज के बिना जी नहीं सकता, और राज को ये बात अच्छी तरह मालूम है, और वो जरूर एक बहुत बड़ा फायदा उठाएगा इसका। एक और शब्द नहीं कहेंगे आप उसके बारे में, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आपके और मेरे बीच में कोई रिश्ता भी है। करण, तुम अपने हाथ से बाहर जाके बोल रहे हो। मैं हाथ में था ही कब डैड, जो बाहर जाऊंगा आपने तो शुरू से ही मुझे अपनी हद से दूर रखा ताकि मैं अब तक पहुंच ही ना पाऊं। अगर किसी ने मुझे सहारा दिया तो सिर्फ राज था। अगर मुझे किसी से खुशी मिली तो सिर्फ राज से मिली। मेरे हर रिश्ते की कमी को सिर्फ राज ने पूरा किया, और आज वो भी चला गया। राज कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं, एयरपोर्ट जा रहा हूँ, बॉम्बे जा रहा हूँ हमेशा के लिए। हाँ, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, चल थोड़ी देर के लिए तेरा साथ और मिल जाएगा। आ बैठ। I'm sorry राज, उसे मैं बहुत खुदकश बन गया था। तूने पहली बार जिंदगी में मुझसे कुछ मांगा और मैं तुझसे लड़ पड़ा। मैं तो दिल से दुआ करता हूँ कि तू जो भी काम करे उसमें तू कामयाब हो, तू अपनी एक पहचान बना सके, और फिर तू जा भी रहे रहेगा तो मेरा दोस्त। जिस रिश्ते का कोई अंजाम ना हो उसे भूल जाना ही बेहतर है। अब चले, काफी देर हो गई है। Boarding pass, sir. Have a nice flight. Passengers traveling to Mumbai on JetAvia's flight number 415 are requested to proceed for the security check. Thank you. अच्छा चलता हूँ। जा रहा है?
नहीं छुपाऊंगा, तू नहीं जा सकता, तू चल मेरे साथ, मुझे चल मेरे साथ। मुझे एप्लास्टिक एनीमिया, राज इज सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर ऑफ द बोन मैरो। बोन मैरो? यस, लाखों में किसी एक इंसान को यह बीमारी होती है। इसमें बॉडी रेड ब्लड कॉर्पसल्स प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। हो सकता है कि आपके टेस्ट में कोई गलती हुई हो। राज को इस बीमारी का पहला अटैक उसकी एंगेजमेंट की रात को हुआ था। उसके बाद हमने सारे टेस्ट किए, ऑल द रिजल्ट्स शो द सेम थिंग। नहीं, इसका कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। आई एम सॉरी, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। हाउ कैन यू बी सो श्योर? दुनिया में कहीं ना कहीं तो इसका इलाज होगा ना। आप अपनी तसल्ली के लिए किसी को भी कहीं और कंसल्ट कर लीजिए, बट इन माई ओपिनियन मेडिकल साइंस हैज नो क्योर। इट्स अ रेयर डिजीज। अगर बॉडी ब्लड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी खो दे तो आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता। आई डोंट बिलीव दिस, आई डोंट बिलीव दिस। तू इनकी बातों यकीन मत कर, ये बकवास कर रहे हैं यार। अरे तेरी बीमारी का इलाज है तेरी बीमारी का इलाज, और तूने बिना मतलब के मुझसे झगड़ा कर लिया इतनी छोटी सी बात के लिए। और पागल, तूने अंजलि से भी झगड़ा कर लिया। तू चल मेरे साथ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तू चल अंजलि। कहाँ चल यार, कहाँ जा रहे तू? अरे बहुत देर हो गई अब, आज तो उसकी शादी भी है। एक काम कर, मेरा एक अरमान है, उसे दुल्हन के जोड़े में सजा देखो, ले चलना मुझे वहां प्लीज। सुनना करण, कहती है के इश्क है ना जी।
जिसमें शरारे हैं, इश्क वो छाया है वो जिसमें शरारे हैं, इश्क वो छाया है। दे दिया
बचपन में जब मैं अकेला था तुमने मेरे दोस्त से मुझे मिलाया, जिससे मुझे जिंदगी की सारी खुशियां मिली, जीने का सहारा मिला। अब क्यों जी रहे हो उसे मुझसे? चलते हो ना तुम मुझसे? चलते हो करण? चलते हो? हमारी दोस्ती देखी नहीं जाती ना तुमसे? मेरी जिंदगी ले लो, मेरे दोस्त की जिंदगी दे दो, मेरे दोस्त की जिंदगी दे दो। डॉक्टर, मैं अपने दोस्त को खुद को खत्म करते हुए नहीं देख सकता। मैं जानता था कि वो मेरी मौत बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इसीलिए मैं यहां से जाना चाहता था, उससे दूर। मुझे सिर्फ इतना वक्त चाहिए डॉक्टर, कि मैं मेरे दोस्त के सारे बिखरे हुए रिश्ते समेट कर उसके लिए सहारा बना सकूं, बस, ताकि मेरे जाने के बाद वो जी सके। बस इतना वक्त दिला दीजिए मुझे। राज, एक्सक्यूज मी आंटी जी, एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ करण के बारे में। जा, दारू लेकर आ, जा। रुको, तुम कोई बोतल नहीं लाओगे? Mrs. Thapar, how are you, Mrs. Thapar? How are you? Stop it, Karan. Karan मुझे Mrs. Thapar कहता है। पता है कितना बुरा लगता है मुझे? नफरत करता है वो मुझसे। क्या आप भी उसे नफरत करती हैं? मैं कैसे नफरत कर सकती हूँ? माँ हूँ उसकी। जब आप माँ हैं, तो माँ बनने से इनकार क्यों करती हैं? जब आप ही अपने रिश्ते को भूल गई, तो वो बेचारा क्या याद रखेगा? मैंने कहा ना, सीधे सीधे खाना खाओ, वरना मैं। वरना क्या मिसेस थापर? अगर फिर तुमने मुझे मिसेस थापर कहा ना, तो मैं तुम्हें। क्यों? मिसेस थापर ने आपको तलाक दे दिया? डेयर यू करण। ओके, आज से ना मैं आपको सिर्फ आपके नाम से बुलाऊंगा, ओके? ओके? तो मुझे मेरे नाम से बुलाएगा? यस मिसेस थापर, आज से मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगा। जरा बुलाकर तो देख। किरण थापर। पहले मुझे माँ क्यों नहीं बुलाया? नंदनी, तो उसे कौन सा मेरा पता याद रहता है जो आज मैं इमोशनल हो जाऊं? तेरे इमोशनल ना होने पर तेरा रिश्ता खत्म तो नहीं हो जाएगा ना? तू रहेगा तो उसका भाई ही ना? उसने मुझे अपना बड़ा भाई माना ही कब है। तो वही गलती तू भी कर, तो तेरे और उसमें फर्क ही क्या रहेगा? करण वो छोटी है, उसकी 10 गलतियां माफ, उसकी हर बात सर आंखों पर। अगर तू उसे विश करेगा तो तेरा कुछ जाएगा? ए नंदिनी। बेबी, कल जो कॉलेज गई है तो अब तक घर नहीं लौटी। नंदिनी घर से कॉलेज के लिए निकलती है और फिर वहीं से नाइट क्लब, किसी फ्रेंड के यहाँ सोना और फिर दूसरे दिन दोपहर तक घर पे लौटना। सालों से यही लाइफस्टाइल बना रखा है उसने। कुछ कहती हूँ तो सुनती ही नहीं। Mom, I've called all our friends. किसी को नहीं मालूम वो कहाँ है।
हेलो मिस्टर भार्गव। सर पिछले 5 कॉल्स एक ही लोकेशन से किए गए हैं, बिटवीन 2 to 4:48 AM। उसके बाद सेल इधर ऑफ कर दिया गया है या बैटरी डाउन है? व्हाट इज द लोकेशन? गुड़गांव एमजी रोड। ए नंदिनी, रॉकी एक गोली और लो ना। आउच रॉकी, प्लीज दो ना। रॉकी प्लीज मुझे एक गोली दे दो। पहले पैसे नहीं, बस पैसे नहीं है, मैं कल दे दूंगी ना। ओ, ए, कल किसने देगा, आज ही सेटल कर लेते हैं ना। रॉकी एक कमांड दे। क्या प्रॉब्लम है तेरी? चाहिए तो तू भी आ जा। बास्टर्ड, बहन है मेरी। ए, कमान, लीव द गन। कुछ नहीं तो फिर ये सब क्या है? डैड, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप इस हादसे के बारे में ना ही नंदिनी से कोई जिक्र करेंगे, ना कोई पूछताछ। मैं खुद सुबह इससे बात कर लूंगा। बिलीव मी मॉम, शी इज फाइन, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। कोई टेंशन की बात नहीं। करण, अब तो वाकई किसी बात की टेंशन नहीं है। इस घर की जिम्मेदारी तूने जो अपने कंधों पर ले ली है, थैंक यू सन। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं डैड? एक बाप अपने बेटे को थैंक यू बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता। हाँ, चाहे तो ठीक कहता है। मुझे थैंक यू नहीं, मुझे तो तुम दोनों से सॉरी कहना चाहिए। डैड। हाँ बेटा, मैं ही एक बाप का फर्ज भूल गया था और आज उसी का नतीजा है कि तुम दोनों को कितना सफर करना पड़ा है। आई हेट माय सेल्फ फॉर हैविंग डन दिस। नो डैड, डोंट से दैट। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज डैड। क्या बात है, पूरे कमरे में चकाचक रोशनी करके बैठा हुआ है, अंधेरे में पढ़ाई हो रही है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस पापा ने कुछ फाइल्स दी चेक करने के लिए, लेकिन काम में दिल नहीं लग रहा। तो फाइल को मार गोली, चल दिल लगाते, चल लेट्स पार्टी, लेट्स गो टू डिस्को, इसको कम कम। अरे चल ना यार, तू ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे पहली बार कोई पब जा रहे हैं। तू नहीं चाहता कि मैं जी भर के जीऊं। चल चल चल, इट्स द टाइम फॉर कॉफी शॉप। लगता है राज, ये रिश्ता तोड़ने में मुझे खुशी मिली? मेरा भी दिल टूटा, विश्वास टूटा। He hurt me terribly. Anyway, forget about him. मैं उसे भूल चुकी। अगर तुम उसे भूल गई होती तो इस तरह रिएक्ट नहीं करती तुम आज। Just show me one person who doesn't have a past. And believe me, मैं तुम्हारे सामने हार मान लूंगा। एक जमाना था जब करण के पास हर वीकेंड पे एक नई गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन जिस दिन से वो तुम्हें मिला है वो सब कुछ भूल गया है।
He loves you a lot. और तुम उसे ही भूलना चाहती हो? हाँ? अगर आज वो किसी और के बाहों में होता तो तुम्हें क्या लगता मैं तुम्हारे पास तुम्हें समझाने आता? बिल्कुल नहीं आता। मैं तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम उसे सच्चा प्यार करती हो और उसे वो सहारा दे सकती हो जिसकी उसे सख्त जरूरत है इस वक्त। Trust me on this. वो तुमसे बहुत प्यार करता है और मैं जानता हूं कि तुम भी उसे बहुत प्यार करती हो। I know it. I can see it. अरे, हाय राज। काजल, how are you? हाँ। क्या कर रही हो तुम? बस यूं ही किसी का इंतजार कर रही थी। आओ ना बैठो ना हमारे साथ। क्या करें भी यही चाहता है। बोल भाई। या प्लीज सिट। बैठो बैठो। थैंक्स। Hey, I love this song. करण, आओ ना डांस करो ना मेरे साथ। जा भाई। मेरा मूड नहीं है। किसी लड़की को डांस के लिए इनकार करना इज बैड मैनर्स। देख कितने मैनर्स वाली लड़की है, चला जा डांस कर ले। रहने दो राज, लेट हिम सल्क। इसी नहीं आना है तो तुम तो आओ ना मेरे साथ। ऑफ कोर्स, मैं तो करूंगा। आ जा। नहीं राज, तू ही डांस करेगा। अरे क्यों नहीं डांस करूंगा? तू नहीं करेगा मैं तो करूंगा। मैं तो जा रहा हूं। राज, लेट इट बी। मेरा भी मूड नहीं रहा, मैं भी डांस नहीं करूंगी। कर दिया ना उसका मूड खराब, जाके बेचारी अकेली खड़ी हो गई है। ये सब तेरी प्लानिंग थी ना? स्मार्ट बॉय, जाना जाना उसके साथ डांस करना। जा, देख अच्छा लगता है, वो अकेली खड़ी हुई है। जा जा जा, प्लीज प्लीज। तुझे खुशी मिल जाएगी। अरे जिंदगी मिल जाएगी भाई। जा जा मेरे शेर, जा। ठीक है। अजब मोड़।
मोड़ पे आ खड़ी थी और तुम आए और तुम आए, हर खुशी साथ मेरा छोड़कर जा रही थी और तुम आए और तुम आए और तुम आए और तुम आए। मेरे दोस्त को जिंदगी मिल गई, अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा। तुम ऐसी बातें क्यों करते रहते हो, मिरेकल्स नहीं होते क्या? होते हैं ना, जरूर होते हैं, यू राइट। पर इस उम्मीद पर मेरे जीने की तमन्ना जाग गई तो मौत से डर लगने लगेगा मुझे। छोड़ो इन सब बातों को, थैंक यू फॉर बीइंग सच ए गुड फ्रेंड डॉक्टर। डॉक्टर भी कहते हो, फ्रेंड भी कहते हो, हाँ। ओके अदिति, अगर आप चाहें तो अदिति को भी छोटा कर सकता हूँ। अदिति इज फाइन। ओके फाइन, वांट गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ कॉफी, बहुत अच्छी कॉफी मिलती है बाजू में। ओके दरोगा जी, आज एक आइसक्रीम खाने का मन कर रहा, खा लो। तुम आइसक्रीम खाओ, हरी सब्जियां मैं खा लूंगी। यू नो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर। क्या बात है, रुक क्यों गए? यहाँ अंजलि की बहुत सी यादें जुड़ी हुई है, मुझे दर्द से तकलीफ नहीं होती पर पुरानी यादों से बहुत तकलीफ होती है। चलो ना कहीं और जाके आइसक्रीम खा लेते हैं। I promise हरी सब्जियां भी खाऊंगा, पक्की बात है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती पर आज के बाद तुम कंप्लीट मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहोगे। आज के बाद ना, आज तो मैं प्यार से खा लूं। हाँ जरूर, पर आज के बाद नो एक्सक्यूजेस, यू हैव टू बी केयरफुल। नो एक्सक्यूज, ये तो भगवान का शुक्र है कि आप मेरी बीवी नहीं है, डॉक्टर है। अगर बीवी होती ना तो आप अपने जूते के नोक पे रखती, यूं दबा के, यूं। ठीक है सुन भाई बेटा, तुम बच ही गए। क्या हो गया? अंजलि आ गई पीछे। ओह तो आप एक बात कहूं, थोड़ी देर के लिए क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है? क्यों? थोड़ी देर के लिए प्लीज, just for a while. Okay. Can I hold your hand? Yeah. और उसके बाद जो मैंने उसको चेपा है, अरे पूछो मत, मेरी गाड़ी ठोक दिया। अरे मेरी गाड़ी नहीं थी, मेरे दोस्त की गाड़ी थी, करण की, ये कोई बात हुई? और बाद में उसने पुलिस को बुला लिया। लेकिन दरोगा जी आप तो जानते हैं, अरे ये पलक का बाल, ये इसको लमोटी ला, मैं कमीश क्या विश किया? मैंने मांगा। अरे अंजलि तुम यहाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो तुम भी अपने दोस्त के रास्ते चल पड़े। हाँ? और कितने दिल तोड़ोगे राज, कितनी जिंदगियां बर्बाद करोगे? एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है ये? तुम मुझे नहीं जानती पर मुझसे बेहतर इसे कोई नहीं जानता। बहुत मतलबी इंसान है ये, जो अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी को भी यूज करके कब फेंक दे पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है जो तुम समझ रही हो वो सच नहीं। तो तुम भी इसकी मीठी मीठी बातों में आ चुकी हो, यही तो इसका टैलेंट है। जितनी जल्दी हो सके अपनी आंखें खोल लो, नहीं तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो मेरी हालत थी। इसने मेरे सारे सपने सारे अरमान तोड़ दिए। रोते रोते आंसू तो सूख गए पर जख्म नहीं भरे। तुम्हारी याद में मैं रोज तड़पी हूं, रोज जीती जीती मरी हूं। भगवान करे तुम भी इसी तरह किसी की याद में तड़पते हुए मर जाओ। I hate you, Raj. I hate you. राज, राज, तुम ठीक हो? इस हालत में नहीं देख सकता, प्लीज डॉक्टर डू समथिंग। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हम लोग कर रहे हैं करण। नो डॉक्टर, मैं इसे यूएसए ले जाऊंगा। आई हर्ड दे हैव अ क्योर फॉर दिस। करण काम डाउन। डॉक्टर वी हैव टू कम टू अ डिसीजन बिफोर इट्स टू लेट। करण अरे पगले,
इधर आ। मुझे नहीं जाना यूएस वूएस। देख राज, मुझे नहीं जाना, मुझे तेरे सहारे की जरूरत है। अगर तू ऐसा बिहेव करेगा तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? हाँ, मुझे कहीं नहीं जाना, बस तेरे पास बैठ के आराम से मर जाऊंगा। ऐसा मत बोल मेरे दोस्त, ऐसा मत बोल। तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे मैं जानता हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। सच्चाई से मत भाग, रोना नहीं, ना मुझसे वादा कर। मेरे मर जाने के बाद तू रोएगा नहीं, झूठा वादा नहीं कर, सच्ची सच्ची बोल, कभी नहीं रोना। राज, तुमने इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई हमसे, आखिर बताते भी क्यों? हमने तुम्हें कभी अपना समझा ही नहीं। हमारे सारे बिखरे हुए रिश्ते तूने जोड़े और हमने तुझी को गैर समझा। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे बेटा, बहुत बड़ी भूल। हो सके तो हमें माफ कर दो बेटा। ऐसा मत बोलिए। माफ कर दो। नहीं, ऐसा मत बोलिए। जल्दी से ओ नेगेटिव ब्लड का इंतजाम करो। सॉरी डॉक्टर, हमारा ओ नेगेटिव का स्टॉक तो खत्म हो गया है। कैसे हो सकता है, कल तक तो था। कल रात तो इमरजेंसी एक्सीडेंट केसेस आए थे, उन्हें सारा ब्लड दे दिया। ओह माय गॉड, और ये जल्द से जल्द राज को देना है। ये ब्लड ग्रुप तो बहुत कम लोगों का होता है। प्लीज कॉल ऑल ब्लड बैंक्स राइट नाउ। यस डॉक्टर। एक विशेष सूचना, सिटी हॉस्पिटल में ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की तत्काल आवश्यकता है। जिस किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव हो, कृपया सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर अदिति से तुरंत संपर्क करें। अंजलि, ये ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप तो तुम्हारा है ना? हाँ। आपका सहयोग किसी की जान बचा सकता है। डॉक्टर, वक्त निकला जा रहा है। इफ आई डोंट ट्रांसफर एट लीस्ट 2 लीटर्स ऑफ प्लाज्मा इनटू द पेशेंट, वो कोमा में जा सकता है। डॉक्टर, हमने सारे ब्लड बैंक्स को फोन किया पर किसी के पास ओ नेगेटिव ब्लड है ही नहीं। हमने पब्लिक अपील की थी, उसका क्या हुआ? कोई रिस्पांस, कोई फोन आया? अब तक तो नहीं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। हाँ, आई एम ओ नेगेटिव। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तैयारी करो। यस मैम। कम सॉरी डॉक्टर, मैं इसके लिए अपना खून नहीं दूंगी। अंजलि, अंजलि सुनो, अंजलि, अंजलि रुक जाओ, अंजलि फॉर गॉड्स सेक प्लीज रुक जाओ। इस वक्त सिर्फ तुम राज की जान बचा सकती हो अंजलि, पर मर जाएगा अंजलि। मर जाने दो उसे। जब तुम सच्चाई जान जाओगे ना, तो खुद से आंखें भी नहीं मिला पाओगी जिससे तुम इतनी नफरत करती हो। जानती हो तुमसे कितना प्यार करता है? अंजलि,
मुझे दे सकते हो? करण, बरसों से इसने मुझे कितना सताया, कितना खून पिया, आज एक ही झटके में मैंने अपने सारे बदले ले लिए। अरे भाई, इसको समझाओ, ये रोए नहीं, देखो रो रो के अपना खून जला रही है। अरे इसके खून की मुझे सख्त जरूरत है, अब मुझे तुम ही बचा सकती हो करण की शादी तक। देख, तू ठीक हो जा, फिर बात करते हैं। डॉक्टर साहब कह रहा है कि मैं ठीक हो जाऊं। एक मिनट, हट राज, हट। क्या कर रहे हो राज? क्या कर रहे हो तुम? You're not supposed to get up, राज, please. राज, सुनो। कोई बात नहीं, कुछ हुआ मुझे, कुछ हुआ नहीं। राज, मैंने तेरी हर बात मानी, एक एक जिद पूरी की, लेकिन ये नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा। क्यों? तूने वादा किया था ना कि हम एक साथ शादी करें, तो ठीक हो जा। मैंने कभी अपना वादा तोड़ा? बता। ठीक है, एक काम कर, तू काजल को अपनी दुल्हन बना ले और मैं जिंदगी को अपनी दुल्हन बनाकर तेरी शादी में बहुत नाचूंगा मैं। फिर चाहे तलाक कल हो या परसों। You can't be reckless, Raj. मैं तुम्हें ये नाचने गाने नहीं दूंगी। मैं अकेले थोड़ी नाचूंगा। तुम क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? प्लीज, आखिरी बार, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। की बात बताने दो, बताने दो। मुझे तो इंतजार था इसी दिन का, मुझे तो इंतजार था इसी दिन का। हो आज मेरे यार दी है शादी, मैं खुशी विच नाचदा फिरा। हो आज मेरे यार दी है शादी, मैं खुशी विच नाचदा फिरा। हो रब ने क्या जोड़ी खुशी विच नाचदा फिरा। खुशी बिच नाचदा फिरा। हो रब ने क्या जोड़ी है मिला दी, मैं खुशी बिच नाचदा फिरा।
सनम माफ करना, गर हो सके तो मेरा इंसाफ करना, तेरी दुनिया जो रब ने सजा दी, मैं खुशी विच नाचदा फिरा हूं, रब ने क्या जोड़ी है मिला दी, मैं खुशी विच नाचदा फिरा। झूम के गाने दो इस दिल की बात बताने दो बताने दो। मुझे तो इंतजार था इसी दिन का, मुझे तो इंतजार था इसी दिन का, हो आज मेरे यार दी है शादी, मैं खुशी विच नाचदा फिरा, हो रब ने क्या जोड़ी है मिला दी, मैं खुशी विच नाचदा फिरा, हो मैं खुशी विच नाचदा फिरा, मैं खुशी विच नाचदा फिरा, मैं खुशी विच नाचदा फिरा, हाय मैं खुशी विच नाचदा फिरा। Bring me the पकड़ने से दर्द कम होता है और गले लगने से तो दर्द होता ही नहीं है। थैंक्स मैन। तैयार नहीं हुए? पार्टी में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आता हूं। आ
तूने ये अवार्ड पाकर मेरा सपना पूरा कर दिया करण। गॉड ब्लेस यू सन। थैंक यू डैड। यस कंग्रेचुलेशंस भाई। अदिति कंग्रेट करण। थैंक्स सो मच। वेल डन। बाय। हेलो अंजलि, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। कंग्रेचुलेशंस करण। थैंक्स करण। देखो राज आया है।